हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानपुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं जो अपडेट लेकर आया हूँ वो इंडियन ऑयल की तरफ से निकल के आई है। दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। आप लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हम लोग का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी का भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या डिटेल निकल के आई है। तो दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, देखिए www.iocl.com। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा और यहीं से आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई भी करना पड़ेगा। वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और PDF का लिंक और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके लिए भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग चाहें तो वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके उस पोर्टल पर जाके आप लोग उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके उसका डिटेल पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। तो इसका जो PDF है एडवर्टाइजमेंट का, उसका मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए दोबारा इसको मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। सीधे चलता हूँ PDF पे और PDF पे देखते हैं इसका डिटेल क्या है। ये इसका PDF है जो इंडियन ऑयल की तरफ से निकल के आई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गुवाहाटी की तरफ से निकल के आई है। ये इसका गुवाहाटी की तरफ से निकल के आई है। ये डेट वगैरह भी दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर भी दिया गया है। देखिए इसमें क्या क्या है पोस्ट, इस पर हम लोग देखते हैं। पहला दिया गया है कोड दिया गया है 105 दिया गया है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ प्रोडक्शन के लिए। इसमें से टोटल वैकेंसी जो दी गई है 21 दी गई है, जिसमें से जनरल के लिए 8 है, SC के लिए जो दिया गया है 2 दिया गया है, ST के लिए 2 है, 9 दिया गया है OBC के लिए। डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए दोनों पोस्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है पोस्ट। और दूसरा वाला जो दिया गया है कोड है 106, इसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ मैकेनिकल के लिए जो दिया गया है, इसमें से 3 पोस्ट दिया गया है, 2 जनरल के लिए है और 1 दिया गया है OBC के लिए। ST SC के लिए सेकंड वाला वैकेंसी में नहीं है कोई भी। और नीचे इसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रिकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। पहला पोस्ट जो दिया गया है कोड दिया गया था 105, जिसमें प्रोडक्शन वाला पोस्ट के लिए था। 3 साल के लिए डिप्लोमा मांगा गया है केमिकल के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप लोग कर चुके हैं डिप्लोमा 3 साल के लिए तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर BCA में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप लोग कर चुके हैं कंप्लीट 50% के साथ जनरल और OBC के लिए और 45% ST SC के लिए, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं पहला वाला पोस्ट के लिए। और एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पे मांगा गया है, जैसे दिया गया ट्रेड अप्रेंटिस वगैरह सब, ये सब होना चाहिए आप लोगों का। दूसरा वाला पोस्ट जो दिया गया है 106 जिसका कोड है, इसमें आप लोगों का मैकेनिकल वाला होना चाहिए। मैकेनिकल पढ़ के जैसे आप लोगों को पता चल जाता होगा, आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का मैकेनिकल के साथ। 55% इसमें भी मांगा गया है, जो 55% होना चाहिए, या तो फिर आप लोगों का मैट्रिक विथ ITI होना चाहिए फिटर अगर पास कर चुके हैं तो। इसमें 2 तरह के कैंडिडेट भर सकते हैं जैसे मेंशन किया गया है, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल वाले पहला, या तो फिर दूसरा मैट्रिक और ITI मैट्रिक के साथ ITI जो किए हैं फिटर वाले, वो सभी यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस वगैरह होना चाहिए तो ये वाले कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग अगर ITI पास किए हुए हैं डिप्लोमा पास किए हुए हैं मैकेनिकल में या तो फिर केमिकल वगैरह में पास किए हुए हैं या तो फिर BCA भी हैं तो अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस इसका प्रोसीजर जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए जनरल और OBC के लिए और 45% ST SC के लिए होना चाहिए। बी नंबर में जो दिया गया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बहुत लंबा दिया हुआ रहता है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये आप लोग एक बार अपने तरफ से पढ़ के ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहता है जो आप लोगों को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है अप्लाई करने से पहले। तो इसीलिए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। नीचे हम लोग चलते हैं, नीचे में और क्या क्या मेंशन किया गया है, एज लिमिट देख लेते हैं। एज मिनिमम दी गई है 18 और मैक्सिमम दी गई है 26। 18 से 26 के बीच में अगर आप लोगों की एज आती है तभी आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों का ये रिजेक्ट हो जाएगा। कितना कितना किस्म की छूट है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए 5 साल आप लोगों का ST SC के लिए दिया गया है, OBC के लिए 3 साल के लिए दिया गया है। यहाँ पे 10 साल के लिए यहाँ पे ST SC डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट सब के लिए भी
मेंशन किया गया है। तो ये सब इसीलिए एक बार अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है, सिलेक्शन मेथड आप लोगों का किस तरह से सिलेक्शन होगा, स्किल टेस्ट होगा आप लोगों का, फिजिकल फिटनेस वगैरह टेस्ट होगा, इस तरह से आप लोगों का टेस्ट होने के बाद रिटेन एग्जाम होगा और उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो ये सब आप लोग अगर जाने रहेंगे तो आप लोगों को तैयारी करने में बहुत ईजी हो जाएगा, उस तरह से तैयारी करिएगा। और इसका एग्जाम जो दिया गया है कब होगा वो चीज़ इसका मेंशन किया गया है। देखिए डेट दिया गया है आप लोगों का 7 फरवरी 2019 से लेकर 13 फरवरी 2019 के बीच में होने की संभावना है इसका एग्जाम। तो एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों, तो ये ज़्यादा लेट होगी नहीं। वैकेंसी निकल तो गई है, अभी जल्दी से भर के अगर आप लोग इसको भर दिए रहेंगे तो इसका एग्जाम भी जल्दी से हो जाएगी। ये दोनों डेट दिया गया है, इसी दोनों डेट के बीच में आप लोगों का एग्जाम भी हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट भी हो जाएगी, तो बहुत जल्दी से इसका ख़त्म हो जाएगी, रिजल्ट आने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी दोस्तों। इसको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए अप्लाई कैसे करना है। और इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आप लोगों का दिया गया है 4/2/2019 को इसका इंटरव्यू होगा, सीधे इंटरव्यू, कोई इसका एग्जाम नहीं दिया गया है। तो बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इसको जरूर अप्लाई करें और सीधे इंटरव्यू में फेस करिए। इंटरव्यू में आप लोग क्रैक कर जाते हैं, डायरेक्ट आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। और इसका जो कहाँ पे इसका इंटरव्यू होगा वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, गुवाहाटी आसाम की तरफ से ये दिया गया है इसका एड्रेस। यहाँ पे आप लोगों को जाना होगा, यहाँ पे आप लोगों की इंटरव्यू होगी अगर आप लोग इसको अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू देके आप लोग गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों IOCL में आप लोगों का। और ये जो मैंने बता दिया डेट 4/2/2019 को इसका इंटरव्यू है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी, जरूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे हम लोग वीडियो को लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करेगी दोस्तों। थैंक यू।